टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंब्रा में आज इज्तिमाई निकाह किया गया, जिसमें ज़रूरतमंद 9 जोड़ों की शादी कराई गई है। ये शादी मुंब्रा के आलिया बुसरा हॉल में कराया गया है। दरअसल इज्तिमाई निकाह बशीर हजवानी फाउंडेशन और SVKN फाउंडेशन ने कराया है। वैसे तो इस निकाह में 10 जोड़ों का निकाह होना था, मगर 9 जोड़े ही रजिस्टर कराए गए थे, जिसकी वजह से 9 जोड़ों का आज निकाह कराया गया। इन सभी विवाहित जोड़ों को बशीर हजवानी फाउंडेशन और SVK फाउंडेशन की तरफ से कपड़े, बर्तन, कबाट, घरेलू इस्तेमाल में आने वाले सभी तरह के सामान दिए गए हैं और सभी दूल्हे को चांदी की अंगूठी और सभी दुल्हन को सोने की अंगूठी दी गई है। इस विवाह में शामिल होने वाले सभी लोगों के लिए बेहतर खाने का इंतजाम भी किया गया था। वहीं बशीर हजवानी खुद इस निकाह में मौजूद रहे। साथ ही IPS कैसर खालिद, डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर, सलीम आलवारे, डॉक्टर रमीज राजा, हसन मुलानी, एडवोकेट कबीर चौधरी, इन लोगों की इस बेहतर पहल की वजह से आज महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों के रहने वालों का निकाह मुंब्रा में हुआ है। इस इज्तिमाई निकाह जिस तरह से मुंब्रा में आज किया गया और जिस तरह से यहां पर इंतज़ाम किया गया था, लोग इसकी काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं। इस मौके पर हमने बशीर हजवानी, IPS कैसर खालिद, डॉक्टर रमीज राजा, एडवोकेट कबीर चौधरी से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है इन्होंने, सुनिए। बशीर साहब, कितने जोड़ों के यहाँ पर जो है निकाह कराई गई है और कहाँ कहाँ की है? मेरे ख्याल से 9 जोड़े हैं जो निकाह किए गए, जो मेरे ख्याल से धुलिया, जालना, मालेगांव, लड़के वहाँ के मुकम्मल लड़कियाँ यहाँ की है, मुंब्रा की है 9 बच्चियाँ, जैसे दूल्हा है धुलिया का, मालेगांव का, एक गुजरात का, तो उस तरह से वो बारात आई हुई है। डिफरेंट स्टेट से जो लोग आए हुए शॉर्ट टाइम के अंदर ये प्रपोज किया था प्रोग्राम और अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी और मुझे आज खुशी हो रही है इस बात को अनाउंस करते हुए आप सब लोग के सामने कि इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह हम पूरा आगे आने वाले वक्त के अंदर उसको मुकम्मल तरीके से चालू रखेंगे। हम यही नहीं चाहते कि ओनली मुंब्रा के अंदर, पर यह प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र के अंदर चलते रहे। तो मुझे बहुत खुशी है कि बशीर हजवानी फाउंडेशन और तमाम मुंतजमीन ने मिल करके एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि अगर ये फर्दन शादी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते तो जितना पैसा खर्च होता था एक जगह पे इन चीज़ों को करने से उससे शायद 70-80% पैसा बच जाता है। एक तो बात ये, इज्तमाई दुआ हो जाती है तो उसमें बरकत भी है। तीसरी चीज़ ये है कि हम सबको समझना चाहिए कि शादी जो है बुनियादी तौर से दो लोगों को एक साथ ज़िंदगी गुजारने का एक अहद लेने का नाम है और ये आसान होना चाहिए, ये सिंपल होना चाहिए और इसमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना कि ज़रूरी है। हमारे समाज में तालीम की कमी है, सफाई की कमी है, सेहत के इश्यूज़ हैं, रोड्स के इश्यूज़ हैं, हॉस्पिटल के इश्यूज़ हैं, हमें अपने रिसोर्सेज बचाकर वहाँ लगाना चाहिए ताकि समाज आगे बढ़े, लोग मजबूत हों, लोग कैपेबल बने। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो आज हम यहाँ देख रहे हैं। कबीर भाई, आप लोग इस जो इज्तिमाई निकाह कराई गई इसको लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी मैसेज वायरल किए और कई बार इसको लेकर आप लोगों ने सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड किए, लेकिन इतना बड़ा हॉल शादी के लिए आप लोग किए, फाइनेंशियल किस तरह से आप लोगों को इसमें तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ा, कैसे सब अरेंजमेंट किए ये सब? मसला तो ये है कि हमने जब ये प्रोग्राम 23 नवंबर का डिसाइड किया था तो कोई फाइनेंशियली कुछ हमने सोचा नहीं था। देखिए, अल्लाह ताला जिसके मसले जिसके काम रहते हैं अल्लाह उसके लिए असबाब भी पैदा कर देता है। जिन बच्चियों के मुकद्दर जुड़े हुए, बशीर सर को पता नहीं था कि हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं। इन जनरली हमारा डिस्कशन हुआ, जब बशीर सर इन्वॉल्व हुए तो फिर फाइनेंस का एस्पेक्ट ही खत्म हो गया। उन्होंने कबीर भाई बोला बस आप आगे बढ़ो, कबीर भाई आप जरा भी मत सोचो पैसे के लिए, आप बस एग्जीक्यूट करो ऑन फील्ड, आप कैसे भी एग्जीक्यूट करो बेस्ट प्रॉपर वे में, हम जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो हम करके देंगे, फाइनेंस को आप छोड़ दो। तो जमी जमात और बशीर अजवानी साहब आने के बाद से तो फाइनेंस का कोई इशू नहीं, और हमारे SVKN फाउंडेशन के वेलविशर्स जो मुंब्रा में हैं, हर किसी ने कुछ ना तो कुछ कंट्रीब्यूट किया है। वो जानते हैं कि सोशली हम लोग किस तरह काम करते हैं, आप सबको पता है। तो अल्लाह का शुक्र है, जिनके मुकद्दर है अल्लाह उनके लिए असबाब खुद ही पैदा कर देते हैं। हमारी क्या ताकत है, हम तो कोशिश करने वाले मिल करके जैसे दिया जाता है घरेलू सामान इस्तेमाल के लिए, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो दी जाती हैं इसमें? हम लोगों ने एक कबर्ड दिया है, पलंग दिया,
दिया है, डिनर सेट दिया है, इसके अलावा इमिटेशन ज्वेलरी दिया है, गैस चूल्हा दिया है, नॉर्मल जो बर्तन लगते हैं वो दिया है, दोनों तरफ लड़के की तरफ चांदी की अंगूठी दी जा रही है और लड़कियों को 2 ग्राम सोने की अंगूठी बशीर रजवानी फाउंडेशन की जानिब से दिया जा रहा है। तो माशाल्लाह अच्छे से हो गया, तकरीबन हर जोड़े पे लड़कियों को 12-12 जोड़े ड्रेसेस हैं, 5 जोड़ी चप्पल है, मतलब हमने कोशिश किया, ऐसा है मिक्सर है और ज़रूरत के जो भी सामान है, गैस स्टोव है, जैसे जैसे लोग बोलते चले गए कि ये भी ज़रूरी है, हम लोगों को लगा कि ये ज़रूरी है, तो हमने अल्लाह की मदद से और सब पूरी टीम की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करी है।